दोस्तों कल ब्राजील वर्सेस स्पेन हुआ सेंटियागो बर्नेब्यू में, और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए आज की वीडियो में आपको पूरे जो उस गेम से रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी, अच्छी बात है बुरी बात है सब बताने वाला हूँ। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब टोनी क्रूज से रिगार्डिंग, एंड रियल मैड्रिड फैंस के लिए काफ़ी बेहतरीन खबर है। ऑल्सो मेसी का क्या से है ऑन हिज रिटायरमेंट, क्या है उनके रिटायरमेंट प्लान्स, एंड साथ ही साथ भाई ओलिवर जीरू का जो है वो समझ में आ रहा है कि वो एसी मिलान छोड़ करके जाने वाले हैं, तो कहाँ जाने वाले हैं क्यों जाने वाले हैं वो भी आज की वीडियो में। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक ठोक दीजिए, देखिए एक लाइक डालने में कुछ नहीं जाता है यार दोस्त, दबा दे यार बटन और सब्सक्राइब भी दबा दीजिए, क्योंकि 110 सब्सक्राइबर्स में हम लोग अटके हुए हैं। ठीक है भाई, 10 मेसी का नंबर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप नेमार के नंबर में लेके जाइए, मेरे को 111 चाहिए, मेरे को 111, तो सब्सक्राइब बटन दबा के जाना। एनीवेज दोस्तों चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब ओलिवर जीरू का कहानी क्या समझ में आ रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जीरू जो है वो फ्रांस के लिए आई गेस टॉप स्कोरर हैं, या फिर उनका रिकॉर्ड अभी टूटा होगा तो मेरे को नहीं याद, लेकिन जहां तक मेरे को याद है ही इज द टॉप स्कोरर फॉर फ्रांस। एंड ऑब्वियसली भाई क्लब लेवल में भी अच्छा खेला, आर्सेनल में, चेल्सी में, एंड देन अभी एसी मिलान में है। अब एसी मिलान में कहानी कुछ ऐसी नज़र आ रही भाई जीरू की कि ये सीज़न पर्टिकुलरली जीरू का काफ़ी बेहतरीन जो है वो जाते हुए नज़र आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात कर लें तो भाई अपने जो है वो भाई एसी मिलान में व्हाट ही हैज डन दिस सीजन इज 36 गेम्स खेल करके 14 गोल और 9 असिस्ट जो है वो इन्होंने मारा है। नाउ ही लैक्स पेस, लाइक उनका पेस बहुत ही ज़्यादा कम है, वो चीज़ मैं भी अग्री करता हूँ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ पोचर देयर इज नो पोचर लाइक ओलिवर जीरू प्रेजेंट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बट दोस्तों अब वही कहानी है कि भाई 37 ईयर ओल्ड हो चुके हैं एंड ही इज यू नो लुकिंग फॉर रिटायरमेंट एंड स्टफ। सो अब उनका जो है वो ऐसा समझ में आ रहा है कि डील कन्फर्म हो गया है MLS में, ही हैज़ भाई साहब डिसाइडेड टू मूव टू MLS नॉट सऊदी अपेरेंटली, एंड MLS में जो क्लब है वो है LAFC। सो LAFC ने जो है वो वर्बल अग्रीमेंट ओलिवर जीरू के साथ कर लिया है, और जो वर्बल अग्रीमेंट है वो भाई साहब लगभग 2025 के दिसंबर तक का होने वाला है। अब ये एक छोटा सा जो है वो आप कह सकते हो यू नो समय बिताने का जो है वो वक्त है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय बिताने वाले हैं वो MLS में, बट कम से कम जो है वो आप कह सकते हो अभी जुलाई में ज्वाइन करेगा और दिसंबर तक रुकेगा अगले साल के। सो एक साल कुछ महीनों का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। सो अब ओलिवर जीरू ने जो है वो वर्बल अग्रीमेंट कर लिया, ही विल बी मूविंग टू LAFC रियली वेरी सून। गुड फॉर LAFC, गुड फॉर ओलिवर जीरू, दोनों के लिए अच्छी बात है, एंड ऑब्वियसली ही विल बी अर्निंग मनी ओवर देयर। खैर अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है स्पेन वर्सेस ब्राज़ील के गेम में क्या क्या पूरी कहानी हुई मैं आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों स्पेन वर्सेस ब्राज़ील का गेम चल रहा था, फ्रेंडली था, सो ये गेम ना होता नहीं, ये गेम होने वाला था स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के बीच में, क्योंकि स्पेनिश फेडरेशन ने अर्जेंटीना के जो है वो भाई साहब फेडरेशन को कांटेक्ट किया था फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस फ्रेंडली, बट अर्जेंटीना की फेडरेशन ने अपेरेंटली बहुत ज्यादा पैसा जो है वो मांग लिया, जिसके चलते दे ऑप्टेड फॉर अदर जो है वो भाई ओपोनेंट्स, एंड ब्राजील ने जो है वो हामी भर दी स्पेन के साथ मैच खेलने के लिए फ्रेंडली। अब ये मैच हुआ ब्राजील वर्सेस स्पेन, और इसमें ऑब्वियसली भाई साहब सेंटियागो बर्नेब्यू में यह मैच होना था, तो विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, इनका जो है ये होम ग्राउंड होता, एंड एंड्रिक का भी जो है ये होम ग्राउंड होता। ऑन दी अदर हैंड स्पेनिश जो है वो भाई टीम्स खेलते इस जो है वो भाई साहब मैच में रियल मैड्रिड प्लेयर्स लाइक डेनी कारवाहाल कैप्टन करते इस साइड को, अलॉन्ग साइड एथलेटिको मैड्रिड के जो है वो प्लेयर आप कह सकते हैं अल्वारो मोराटा जो भी एक कैप्टन है, लमीन यमाल, कुबारसी, एंड मैनी अदर प्लेयर्स जो है वो स्टार्ट करते स्पेनिश नेशनल टीम में। मैच स्टार्टेड, मैच वॉज गुड, एंड दिस वॉज वन ऑफ दोज फ्रेंडली एंटरटेनिंग गेम्स जिसमें बहुत सारे गोल्स जो है वो अपन को देखने को मिले। गोल्स ऑल्सो गेम फ्रॉम आई गेस विनीशियस एज वेल, एंड ब्राज़ील के साइड से जो है वो रोड्रिगो ने गोल मारा, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, और वो ये हुई कि भाई एंड्रिक जैसा सब्सिट्यूट आए, यस एंड्रिक द 17 ईयर ओल्ड गाय हु विल बी साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड अगले सीज़न, एंड वो अपने फ्यूचर होम स्टेडियम में जो है वो भाई साहब गेम खेल रहा था। ही रिसेंटली स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड दिस वॉज दी सेकेंड गेम जो वो खेलने आए थे स्पेन के खिलाफ अपने फ्यूचर होम ग्राउंड में एंड्रिक के। सो वहाँ पे आकर के उसने जो है वो स्पेन के खिलाफ गोल मार दिया, जिसके बाद ऑब्वियसली भाई एंड्रिक के भाई साहब यू नो माहौल जम गया। लेटर ऑन गेम जो है वो आगे बढ़ता है, पेनाल्टीज वगैरह होती है, और भाई 3-3 में जो है वो गेम एंड हो जाता है। बट इस गेम में जो नोटेबल चीज़ हुई जिसके चलते स्पेनिश भाई साहब आप कह सकते हो कोच भी जो है वो एंग्री थे, और वो था कि सेंटियागो बर्नेब्यू में दी स्पेनिश फैंस, मतलब ऑब्वियसली वो स्पेनिश फैंस है ना पहले, बाद में रियल मैड्रिड फैंस हैं,
देवर बूइंग जो है वो भाई अपने स्पेनिश टीम के प्लेयर्स। अब भाई यहाँ पे जो है वो क्या कहना था मैनेजर का, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अल्वारो मोराटा गेटिंग रिजल्ट एट बाय द बर्नेब्यू, इट हर्ट्स मी टू द कोर, दैट इज इन माय कंट्री दे बू अ प्लेयर ऑफ द नेशनल टीम, द कैप्टन हु इज अ रोल मॉडल फॉर अस एन एग्जाम्पल, इट रियली हर्ट्स व्हेन आई हियर दोज बूज, आई फील अशेम्ड। नॉट ओनली अल्वारो मोराटा बट पाउ कुबार्सी वॉज ऑल्सो बींग बूड बाय सेंटियागो बर्नेब्यू का क्राउड, एंड दैट वॉज क्वाइट, मतलब आप कह सकते हो शेमफुल कि भाई अपने ही नेशन में अपने ही नेशन के प्लेयर्स को बू कर रहे थे, एंड ब्राज़ील के विनीशियस और रोड्रिगो को इन लोग जो है वो भाई चीयर कर रहे थे एवरी टाइम दे रिसीव द बॉल। आई नो इट वॉज अ फ्रेंडली, आई नो रियल मैड्रिड का होम गेम है, बट स्टिल यार कंट्री पहले होती ना, आई कैनॉट इमेजिन लाइक ये स्पेनिश फैंस का मैं क्या ही बोलूँ यार, आई कैनॉट इमेजिन दिस थिंग हैपनिंग इन इंडिया। ऑल दो कल अफगानिस्तान वाले में वी लेजिट भाई साहब वाइकिंग क्लैप कर दिए हम अफगानिस्तान की टीम के साथ, बट स्टिल क्लब के बेसिस में वो इंटरनेशनल टीम का प्यार अलग है, वो क्लब वाला प्यार अलग है, समझ रहे हो। सो पता नहीं है क्या हुआ, थोड़ा सा जो गलत हुआ ये मेरा ओपिनियन है, बट ऑल्सो वन थिंग हैपेंड। अब देखो नेगेटिव के बारे में बात करें तो पॉजिटिव के बारे में बात करना बनता है। पॉजिटिव वे में ये हुआ कि लमीन यामाल भाई साहब रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम सैंटियागो बर्नेब्यू का क्राउड विच मेनली कंसिस्टेड ऑफ रियल मैड्रिड फैंस। अब दोस्तों दैट इज समथिंग ह्यूज हैपनिंग फॉर अ 17 ईयर ओल्ड प्लेयर। लमीन यामाल वॉज भाई साहब फिनोमिनल इन द यस्टरडेज गेम, ही वॉज ड्रिबलिंग, ही वॉज गिविंग असिस्ट, he was doing everything possible on the pitch and he legit looked like bhai a brazilian player, he had that flair, and uski performance ko dekh kar ke the whole santiago bernabeu bhai saab stood up and gave him a standing ovation। Lamine Yamal is the third Barcelona player ever to get a standing ovation from Bernabeu. The first ovation they gave to any Barcelona player was Ronaldinho. Second ovation Iniesta ke liye mila tha. Iniesta obviously a legendary player for Spain itself. Unko standing ovation mila tha. And a 16-year-old player, 16 hi hai uski age, you know, getting ovation from Santiago Bernabeu, it's just huge. And the player or obviously, you know, Real Madrid fans were saying ki Lamine Yamal ko hype kar rahe hain aisa waisa ye wo, they legit saw yesterday, they know that he has the potential and hence they decided to stand up and give him a standing ovation. So achhi baat bhi hui, buri baat bhi hui, they booed the Atletico Madrid ka player, they appreciated the Barcelona ka player. Spanish football fans are literally confusing to me dosto. Anyways, moving to another jo hai wo khabar. Ab dosto yahan pe जो है वो मैं रियल मैड्रिड से ही रिलेटेड खबर बता दे रहा हूँ और वो है टोनी क्रूज से रिलेटेड खबर। तो ये खबर निकल कर के आती थी कि टोनी क्रूज इस सीजन के आखिरी में जो है वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, बट आज जो है वो कंफर्म हो गया है कि टोनी क्रूज जो है वो नहीं लेने वाले हैं रिटायरमेंट, और उन्होंने जो है वो एक नया सील रियल मैड्रिड के साथ जो है वो साइन कर लिया अप्रैल 2025। सो अब आपको टोनी क्रूज द जर्मन स्ट्राइक पर जो है वो देखने को मिलेंगे रियल मैड्रिड में फॉर वन मोर सीजन, एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग अ फिनोमिनल सीजन फॉर टोनी क्रूज। रियल मैड्रिड में भी ही इज प्लेइंग ब्यूटिफुली भाई, उसको रिटायर नहीं होना चाहिए, एंड जर्मनी में रिटायरमेंट से जो है वो आउट हुए और जर्मनी का गेम फ्रांस के खिलाफ था, एंड लेजिट भाई ही कुक्ड फ्रांस, एंड समवेयर ही थॉट कि यार आई स्टिल हैव फुटबॉल लेफ्ट इन मी, लेट्स स्टे एट मैड्रिड फॉर वन मोर ईयर। एंड ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया था, सेम केसेस विद लुका मॉड्रिज एज वेल, इफ दे वॉन्ट टू स्टे लुका मॉड्रिज एंड टोनी क्रूज, रियल मैड्रिड कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी उनके स्टेइंग में, बट अगर वो चाहेंगे कि मैं रिटायर हो जाऊँ या क्लब छोड़ करके चले जाऊँ, रियल मैड्रिड उसमें भी नहीं रोकेगी। So Toni Kroos chose the later side, he decided to stay and he'll stay at Real Madrid for one more season. आखिरी खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है लियो मैसी से रिलेटेड खबर। अब लियो मैसी का जो है वो रिसेंटली एक जो है वो भाई इंटरव्यू चला जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया। उन्होंने जो है वो अपने बार्सिलोना छोड़ने के एक्सपीरियंस से लेकर के पेरिस ज्वाइन करने के एक्सपीरियंस के बारे में बात किया। ही टॉक्ड अबाउट अवार्ड्स एज वेल, जो एक हाईलाइट पॉइंट था उस इंटरव्यू का, उसमें उससे पूछा गया था कि अब आप क्या अवार्ड या फिर जो है वो ट्रॉफी जीतने के लिए सोचते हैं आगे। तो ही सेड दैट आई हैव completed everything in football, I legit have nothing to win or look, कि मैं अब कुछ मैं जीतूँ, मतलब मैं स्पोर्टिंग फील्ड में सब जीत चुका हूँ, ऐसा कुछ मैसी का कहना था, नॉट वर्ड टू वर्ड बट समथिंग इसी जो है वो आप कह सकते हो वेव लेंथ में मैसी कह रहे थे। बट उसने रिटायरमेंट के बारे में पूछा और रिटायरमेंट के बारे में लियो मैसी का कहना ये था कि मैं जान जाऊंगा जैसे ही मेरे को जो है वो होगा, बिलीव होगा कि मैं जो है वो अब नो लॉन्गर परफॉर्म कर पाऊंगा, मैं जब इंजॉय नहीं कर पाऊंगा गेम को और या फिर मैं अपने टीम को हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तब मैं जो है वो रुक जाऊंगा भाई। मेरे रिटायरमेंट के लिए एज नहीं मैटर करेगा कि मैं क्या एज है मेरी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो मैं जो है वो खेलूँगा। एंड दिस इज समथिंग विच लियो मैसी इवन स्टेटेड ईयर्स बैक जब उसे रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया था, ही लेजिट सेड द सेम थिंग कि भाई
जब तक मेरे को अच्छा लगेगा मैं खेलूंगा, जब तक मैं अपने टीम मेट्स को कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा मैं खेलूंगा, जब तक मेरे को लगेगा कि हाँ मैं इन्जॉय कर रहा हूँ गेम को मैं खेलूंगा, एज वेज बिरलीजम मैटर नहीं करता है, जब तक मेरे को लगेगा मैं खेलूंगा। अब वो दिन कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, या 6 साल के बाद भी आ सकता है, मेरे को नहीं पता। एंड दैट इज़ व्हाट लियो मेसी सेड अगेंस्ट हिज रिटायरमेंट प्लान। सो ये थे दोस्तों आज की खबरें, मैं मिलता हूँ आपसे कल। थैंक यू फॉर दी सपोर्ट यू गाइस हैव बीन शोइंग रिसेंटली। इंस्टाग्राम के पोस्ट के ऊपर आपके बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन देखने को मिले। सैडली बहुत सारे लोगों को मैं जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाया, बट जितने लोगों का हो पाया प्राइवेट आईडी से भी जो है वो रिप्लाई किया है मैंने। तो थैंक यू फॉर भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी ऑन ऑब्वियसली दैट इंस्टाग्राम का पोस्ट। थैंक्स अलॉट दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने के लिए प्लीज। जय हिंद, वंदे मातरम। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।